मेरा नाम विनोद शास्त्री है और मैं कथाकार हूँ बेसिकली, और 18 भाषाओं में कथा करता हूँ हिंदुस्तान में। जितने पूरे हिंदुस्तान में भाषाएं हैं सभी में ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं 18 भाषाओं में करता हूँ। बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा आश्रम है बॉम्बे से 150 किलोमीटर दूर पे, जहाँ पे मैं वृद्धाश्रम है और मैं वृद्ध लोगों की सेवा करना पसंद करता हूँ। और आप पूछे तो विनोद जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज महिला दिवस है, और जब बात महिला की आती है तो भारत देश में हर एक वो फील्ड, हर एक वो जगह जहाँ पे महिलाएं अपने देश का नाम रोशन करती हुई नजर आती है। देखिए मैडम, महिला एक ऐसी चीज है जो महिला को कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि महिला ऐसा है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया और पूछा कि हे पिता, ये सृष्टि में है क्या, शिव क्या है और सती क्या है, मुझे बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, बिल्कुल अंधकार है, जो निराकार है वो अंधकार है, शिव और शक्ति ये तो एक रोशनी है, एक शक्ति है, एक प्रकृति है। ये जब प्रकट हुई तो कुछ नहीं था, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, और ये निराकार है तो जो शक्ति है, जो माँ भवानी है, ये वही आज माँ भवानी का रूप लेकर के जो महिलाएं हैं वो है। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि अमेरिका में 1836 की बात है, अमेरिका में जब महिलाओं को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता था, तो वो एक हमारी बहन थी, उनका नाम हमें मालूम नहीं है, अमेरिका की है, उन्होंने बहुत वाक युद्ध किया सरकार से, बहुत लड़ी, बहुत वाक युद्ध किया, और वाक युद्ध करने के बाद जब शांति आई तो उन्होंने कोर्ट में गई, बहुत भागी, और भागने के बाद उन्होंने 1836 8 मार्च को अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया था। तो ये महिला दिवस उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और महिलाओं की महानता तो मैडम मैं क्या कोई भी नहीं बखान कर सकता है, महिला तो वो चीज़ है जो सृष्टि की रचना करती है, हम सबकी रचनाएं करती हैं, ये महिलाओं का काम है। अगर महिला ना हो तो ना कोई साधु हो, ना कोई संत हो, ना कोई सन्यासी हो, ना कोई कुछ ना हो, ना कोई बालक हो, ना सृष्टि की उत्पत्तिकर्ता, तो महिलाएँ हैं। अगर हम धरती पृथ्वी को देखें तो भी एक महिला का रूप है, वो सबको पालती है, तो महिलाओं के ऊपर तो हमें कभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि वही तो सृष्टि करता है, उन्होंने पूरे संसार की सृष्टि की है। अब उनके बारे में तो मैं ज़्यादा बखान नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यही बोलता हूँ कि मैडम हर महिला को प्रणाम करें, हर महिला पूजनीय है, महिला के बारे में कभी कोई अभद्र शब्द ना बोलें, और महिलाएं जैसी भी हैं वैसी हमने जीवन में कभी, अब जो हमारी एक माँ है वो भी महिला है, एक बहन है वो भी महिला है, हमारी बेटी है वो भी महिला है, तो महिलाओं के बारे में अपन कुछ उनके बारे में कोई बोलना जरूरी नहीं, जो महिलाएँ वो महान हैं, उनकी महानता का बखान हम क्या कोई भी नहीं कर सकता है।